हेलो एवरीवन वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल सर योर यूर नॉलेज मैं हूं आपका दोस्त विशाल आज हम कवर करेंगे 17 और 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी रिलीज द स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट तो किस यूनिवर्सिटी ने स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन्हें रूरल इंडिया रिपोर्ट रिलीज की है ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच स्टेट ग्रांटेड, ग्रांटेड थर्टी टू तो परसेंट कोटा फॉर ट्राइवल्स इन स्कूल्स तो किस स्टेट ने स्कूल्स में ट्राइवल्स के लिए थर्टी टू परसेंट कोटा ग्रांट किया है ए ऑप्शन मध्य प्रदेश बी ऑप्शन गुजरात सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ डी ऑप्शन झारखंड तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ द ऑल वीमन पैनल अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू ओवरसीज रिलीफ इन मणिपुर तो मणिपुर में ओवरसी रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑल वुमेन पैनल के हेड के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है ये ऑप्शन जस्टिस रूथ बैडर बी ऑप्शन जस्टिस सोनिया सी ऑप्शन जस्टिस गीता मित्तल डी ऑप्शन जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंशेंट क्रिस्टल क्वाड्स बिंग यूनिट हैज बीन फाउंड इन विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया तो एंशेंट क्रिस्टल विंग यूनिट इंडिया की किस आर्कियोलॉजिकल साइट में फाउंड किया गया है ए ऑप्शन हम्पी बी ऑप्शन किलाड़ी सी ऑप्शन दोलाबेरा डी ऑप्शन लोथल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का न्यू नेम क्या है ए ऑप्शन आई आई एम मुंबई बी ऑप्शन आई आई एम थाने सी ऑप्शन आई आई एम पुणे डी ऑप्शन आई आई टी थाना तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ग्राफिन अरोड़ा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद बिच मिनिस्ट्री तो रिसेंटली ग्राफिन अरोड़ा प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री की कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया है ए ऑप्शन मनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट मिनिस्टर परशोत्तम रूपाला लॉन्च द ए हेल्प प्रोग्राम इन विच स्टेट तो रिसेंटली यूनिट मिनिस्टर परशोत्तम रूपाला ने किस स्टेट में ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश बी ऑप्शन राजस्थान सी ऑप्शन बिहार डी ऑप्शन गुजरात तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच इंग्लैंड प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट तो रिसेंटली किस इंग्लैंड प्लेयर ने ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है ऑप्शन मोइन अली बी ऑप्शन बेन स्टॉर, सी ऑप्शन जेम्स एंडरसन डी ऑप्शन स्टीवन फिन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली साइंटिस्ट ऑबिज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्टार तो रिसेंटली इंडिया के किस इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट ने एक न्यू स्टार डिस्कवर किया है ये ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बी ऑप्शन सी डैक सी ऑप्शन इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इन बेंगलुरु स्टार। तो बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से साइंटिस्ट ने एक न्यू स्टार डिस्कवर किया है साइंटिस्ट हैव नेम दिस स्टार एच ई वन जीरो जीरो फाइव वन फोर थ्री नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविस सिटी इज द जी ट्वेंटी फिल्म फेस्टिवल विंग ऑर्गेनाइज तो जी ट्वेंटी फिल्म फेस्टिवल किस सिटी में ऑर्गेनाइज की जा रही है ए ऑप्शन कोलकाता बी ऑप्शन मुंबई सी ऑप्शन न्यू दिल्ली डी ऑप्शन जयपुर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हैज़ बीन रीनेम एज तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का रीनेम किया गया है ये ऑप्शन पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बी ऑप्शन गांधी मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सी ऑप्शन पटेल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी डी ऑप्शन नन ऑफ दीज तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी फोर ऑन दटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेहरू तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था नेहरू की सेवेंटी बर्थ एनिवर्सरी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड हैव बिन अप्रूव बाय द प्रेजिडेंट ऑन द ओकेजन ऑफ सेवेंटी इंडिपेंडेंस डे तो सेवेंटी सेवन्थ इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर प्रेजिडेंट के द्वारा कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए गए हैं ये ऑप्शन सेवनटी सिक्स बी ऑप्शन 77, सेवन सी ऑप्शन 78, एट डी ऑप्शन सेवेंटी नाइन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन और ये अवार्ड्स की लिस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी द बारशिप आई एन एस विद्यागिरी हैज़ इनोग्रेटेड बाय प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू तो किस सिटी में प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बारशिप आई एन एस विद्यागिरी का इनोग्रेट किया गया है ये ऑप्शन मुंबई बी ऑप्शन कोलकाता सी ऑप्शन चेन्नई डी ऑप्शन विशाखापट्टनम तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ साइन एम ओ यू विद विच कंट्री टू शेयर इंडिया स्टैग तो इंडिया ने इंडिया स्टैग को शेयर करने के लिए किस कंट्री के साथ एक एम ओ यू साइन किया है ए ऑप्शन केनिया बी ऑप्शन श्रीलंका सी ऑप्शन त्रिनी एंड टोबैगो डी ऑप्शन मालदीव्स तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डी डी जी ऑफ हरियाणा तो हरियाणा के न्यू डी के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है ये ऑप्शन अजय हुड्डा बी ऑप्शन शत्रुजीत सिंह कपूर सी ऑप्शन अशोक खेमका डी ऑप्शन बी एस जोशी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब ये ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इंडिया की तो एल आई सी के नए एम डी के रूप में किसे अपॉइंटेड किया गया है ये ऑप्शन अजय कुमार बी ऑप्शन अशोक सिन्हा सी ऑप्शन आर दोराई स्वामी डी ऑप्शन अवधेश पुरी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आर दुराईस्वामी को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटेड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसी न्यू ईयर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नोन एज नवरोज इज़ ऑब्जर्व ऑन बिच डे इन इंडिया तो पारसी न्यू ईयर टू था पारसी न्यू ईयर को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है इसे इंडिया में किस दिन पर ऑब्जर्व किया जाता है ए ऑप्शन अगस्त 18, बी ऑप्शन अगस्त 16, सी ऑप्शन अगस्त डी ऑप्शन अगस्त 15 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफर फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट तो कौन सी इंडियन स्टेट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को फ्री ऑफर करने वाली फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गई है ए ऑप्शन मध्य प्रदेश बी ऑप्शन तमिलनाडु सी ऑप्शन केरला डी ऑप्शन गोवा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ इन्वॉल्व इन द फर्स्ट एवर क्रीड ऑयल ट्रांजेक्शन अंडर द लोकल करेंसी सेटलमेंट्स सिस्टम विद इंडिया तो किस कंट्री ने इंडिया के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के अंडर फर्स्ट एवर क्रीड ऑयल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व की है ए ऑप्शन सऊदी अरेबिया बी ऑप्शन यू सी ऑप्शन रशिया डी ऑप्शन इराक तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2023, थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हु हैज बिन अपॉइंटेड बाई पेपल एज इट्स न्यू सीईओ। तो पेपल के द्वारा अपना न्यू सीईओ किसे अपॉइंटेड किया गया है ए ऑप्शन पीटर थील बी ऑप्शन डेविड रोफेलो सी ऑप्शन अलेक्स क्रिस डी ऑप्शन मैक्सले तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिक्योर गोल्ड इन द मेंस 61 केजी फ्रीस्टाइल कैटेगरी एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इन जॉर्डन तो जॉर्डन में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में मेंस 61 केजी फ्रीस्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने सिक्योर किया है ये ऑप्शन जयदेव, बी ऑप्शन सागर जगलान सी ऑप्शन रामेश कुमार डी ऑप्शन मोहित कुमार तो इस क्वेश्चन का

करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2023, थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच इंडियन स्टेट लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम ग्रामीण मित्र टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज तो किस इंडियन स्टेट ने गवर्नमेंट सर्विसेज की डोर स्टेप डिलीवरी को प्रोवाइड करने के लिए फ्लैगशिप स्कीम ग्रामीण मित्र लॉन्च की है ए ऑप्शन छत्तीसगढ़ बी ऑप्शन गोवा सी ऑप्शन महाराष्ट्र डी ऑप्शन तमिलनाडु तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड ऑफ़ दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नलंदा बुद्धिज़्म तो किस सिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नलंदा बुद्धिज़्म होस्ट की गई है ए ऑप्शन गुवाहाटी बी ऑप्शन पटना सी ऑप्शन ले डी ऑप्शन शिलोंग तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज सेट टू हैव कंट्रीज़ फर्स्ट यूनिटी मॉल विल्ट तो कंट्री का फर्स्ट यूनिटी मॉल विल्ट किस सिटी में सेट होने जा रहा है ए ऑप्शन उज्जैन बी ऑप्शन लखनऊ सी ऑप्शन जयपुर डी ऑप्शन हैदराबाद तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेज रिवॉल्वर तो इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर का नाम क्या है ये ऑप्शन प्रबल बी ऑप्शन सारंग सी ऑप्शन हानुमत डी ऑप्शन त्रिशूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलराउंडर क्रिस बॉक्स बास नेम द आई सी सी मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्रॉम बिच कंट्री तो ऑलराउंडर क्रिस बॉक्स को आईसी सी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए सम्मानित किया गया है जुलाई मंथ के लिए हिज फ्रॉम बिच कंट्री तो ये किस कंट्री से है ये ऑप्शन इंग्लैंड बी ऑप्शन न्यूजीलैंड सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया डी ऑप्शन साउथ अफ्रीका तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इंग्लैंड आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एशलिग गार्डनल तो जुलाई मंथ के लिए आई सी सी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है एशली गार्डन को और ये ऑस्ट्रेलिया से है आई सी सी मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को रिवाइज़ कर लेते हैं मैंस में मिला है अप्रैल मंथ के लिए फकर जमन को पाकिस्तान से हैं मई मंथ में मिला है हैरी टेक्टर को ये आयरलैंड से है जून मंथ में मिला था विनिंदू हसरंगा को श्रीलंका से आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड रिवाइज कर लेते हैं अप्रैल मंथ में मिला था निरुमल चाईवाई थाईलैंड से मई मंथ में मिला था थीपाचा पुथवांग थाईलैंड से जून मंथ में मिला था एशली गार्डन को ऑस्ट्रेलिया से तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बस इतन तक की इतने थी मिलता विशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में हर रोज कुछ नया सीखते रहो और अपने फील्ड में आगे बढ़ते रहो जय हिंद जय जै भारत